चिल्ड्रन, स्वागत है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड चैप्टर के लिए। हम बायोलॉजी, 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं लक्ष्मी चंद की, और फर्स्ट चैप्टर मैं अच्छे से कंप्लीट भी कर चुका हूं। आपको बहुत हर्ष होगा जानकर के सारी चैप्टर्स पॉइंट, एक एक लाइनें आपको लगता है कि मैंने बोर किया है, बोर नहीं किया, एक लाइन मैंने अब इसलिए समझाई है। जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं उन चैप्टर के जायज़ याद है, जो चैप्टर सेगमेंट होते हैं सारे के सारे याद होने चाहिए। रेस्पिरेशन का टाइप की बात हो, या फिर लैक्टिक एसिड के बनने की बात हो, या फिर आपका लेंटिसेल्स की बात हो, स्टोमेटा की बात हो, वाटर अमीबा के द्वारा जो फूड लिया जाता है, होलोजेनिक न्यूट्रिशन, या फिर लंग्स के स्ट्रक्चर की बात हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो, इनहेलेशन की बात हो, या फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो, तो ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको थोड़ा सा रीडिंग करोगे। रीडिंग करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जालम वेसल्स, जालम ट्रैकेट्स बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इस तरीके से फ्लोएम के अंदर भी सी ट्यूब्स और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है वो काम में करता है, आर्टरीज, वेंस, और आपका डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं, पल्स रेट है ना, कंप्लीट साइकिल, और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी वगैरह होती है, आपका किडनी की स्ट्रक्चर भी आप मानो। ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, और आपका डायलिसिस क्या होता है, डायलाइजर के द्वारा होता है ये प्रोसेस। तो अब जो हम करने वाले हैं वो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। मैं आपको रिकीप इसलिए करवाता हूँ जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी काम बनने वाला। तो अब हम बात करने वाले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम की। मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में मैं कंपाइल करूँगा लास्ट मोमेंट पे छोटी छोटी डेफिनेशंस को। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट के आसपास, एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं प्लांट के आसपास या एनिमल के आसपास, तो उसके लिए सारे के सारे प्लांट और एनिमल उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं। द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। इसी को हम स्टिमुली के नाम से भी जानते हैं। सिंगुलर ऑफ स्टिमुली इज अ स्टिमुलस, इसे हम स्टिमुलस भी कहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सारे के सारे रेस्पॉन्सेस होते हैं। द रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट रेस्पॉन्स भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट की वजह, बॉडी पार्ट रेस्पॉन्स की वजह से बॉडी के पार्ट मूवमेंट होते हैं। इफ अ मैन टचेज अ वेरी हॉट अटेंसिल, अगर आपने किसी शार्प चीज़ को, अटेंसिल को टच किया, तो होगा क्या, फिर ये होगा कि आप करिए अपने हैंड को वहाँ से हटाओगे, नहीं तो आप जल जाओगे। जिस तरीके से आपका लॉइन है, लॉइन यहाँ पे बैठा हुआ है, दिस फादर लॉइन इज आर रेस्पॉन्डिंग टू द बाइट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कब। अगर हम छीमी की बात करें तो छीमी में हम देखेंगे कि दीज आर द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मेमोस ऑफ यूटिका अबाउट टू बी टच विद अ पेंसिल। पेंसिल से टच करने के बाद उसकी पहले लीव्स ऐसी थी, अब ये ऐसी हो गई। तो ये होता है आपका टर्गर प्रेशर की वजह से या रेस्पॉन्स की वजह से। वेन वी आर फ्राइटन, जब हम बहुत भयंकर डर में होते हैं, बाय अ डॉग, डॉग हमारे पीछे भाग रहा होता है, बी रन अवे एज फास्ट एज वी कैन। अगर कोई हमें परेशान करने वाली चीज़ है ना, जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, तो हम बहुत तेज़ दौड़ेंगे, इतना तेज़ दौड़ेंगे जितना हम दौड़ सकते हैं। इफ़ वी प्रिक अ अर्थवर्म, अगर हम अर्थवर्म को ऐसे स्विच चुबो दें तो वो सिकुड़ जाता है, उसकी बॉडी चेंज हो जाती है, उसकी शेप बॉडी की, अर्थवर्म की बॉडी की शेप चेंज होना ही ये रेस्पॉन्स दिखाता है कि वो जो आपका एनिमल है, अर्थवर्म है, वो अलग अलग डिस्टर्बेंस के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वी नो दैट सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, हम जानते हैं कि जो सनफ्लावर जो होता है उसका ऊपर का फ्लावर है वो सन के आसपास घूमता रहता है। आपको वैसे पता चलेगा
तो फ्लावर के नीचे के डंठल को आप चेक करिए, जो एपिकल सेंटर होता है उस पर चेक करिए। तो जब चेक करोगे तो फिर आपका वो मूवमेंट करते करने की वजह से उसको वहाँ की जो स्टाम होता है वो स्पंजी हो जाता है और बेंड करने लगता है। अगर आपने किसी भी प्लांट को खिड़की के पास रख दिया, तो खिड़की बाहर खिड़की से हवा आ रही है और उस देर से ही लाइट आ रही है, तो खिड़की के साइड में प्लांट झुक हो जाएगा और उसी की साइड में हो जाए। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द रिएक्शन टू स्टिमुली इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये हुआ अनदर इन अनदर वर्ड विच इज इन अनदर वर्ड विच इज ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ रिएक्शन इज रेस्पॉन्स। मतलब रिएक्शन होता है और वो किसके लिए, रेस्पॉन्स के लिए। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो स्टिमुली के लिए जो रेस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी, प्लांट की बॉडी, तो उसे हम और उसे हम कहेंगे रेस्पॉन्स होना और करेक्टरिस्टिक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिएक्ट और रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली। जितने भी वेरियस स्टिमुली होते हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं अराउंड देम। बट द मैथड ऑफ रिएक्टिंग टू स्टिमुली इज नॉट अ सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल। दे रिएक्ट टू स्टिमुली स्टिमुली इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स बेंड टूवर्ड लाइट बट एनिमल डू नॉट बेंड। तो एनिमल के अंदर तो लाइट के लिए नहीं होती, एनिमल की कहानी अलग है। तो सिमिलरली अमीबा टेंड टू एग्रीगेट, इकट्ठा हो जाता है ना। और वार्म वाटर विच इज देयर रिएक्शन टू द स्टिमुलस कॉल्ड हीट। अमीबा एंड अदर प्रोटोजोआ रिएक्ट टू मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स। जो भी मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं उन्हें, जैसे ब्रेकर होते हैं साइकिल में, रोड पर साइकिल चलने से वो उलझती है, जंप करती है। द एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुली इन मैनी डिफरेंट वे। एनिमल उन स्टिमुली के लिए हम रिएक्ट करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम एंड न्यूक्राइन सिस्टम, जो चीज़ें रिस्पॉन्स करती हैं। द प्लांट्स हाउ एवर रिएक्ट द एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुली इन मैनी डिफरेंट वे बिकॉज दे हैव अ नर्वस सिस्टम। इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है एंड एनोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है हॉर्मोन के साथ साथ। एक और बात, प्लांट्स हाउ एवर रिएक्ट टू स्टिमुली इन अ वेरी लिमिटेड वे। लेकिन एनिमल में तो कहानी अलग है, वहाँ हॉर्मोन्स भी हैं और ऑर्गन्स भी हैं। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन। हालत खस्ता है। वी विल नाउ, आज के जमाने में लाइफ चल जाए वही पता। वी विल नाउ डिस्कस द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वन बाई वन। लेट अस स्टार्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे और तभी बात बनने वाली है। द प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता। सेंस ऑर्गन्स जैसे आई, ईयर, नोज और नोज नहीं होते लाइक एनिमल, बट दे कैन स्टिल सेंस, और वो सेंस करते हैं। सेंस द थिंग मतलब जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच। ये लाइक ग्रेविटी, केमिकल, इन सब के लिए टच के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं एंड रेस्पॉन्ड टू देम, और उसके लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। द प्लांट्स कैन सेंस दीज थिंग्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर टू टच बाय द एक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स। किसके द्वारा? हॉर्मोन के द्वारा। द स्टिमुली लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच एटसेट्रा आर कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंजेस। इसे हम एनवायरमेंटल चेंजेस के नाम से जानते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हॉर्मोन्स। हॉर्मोन के यूज के द्वारा उनके वो चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। द हॉर्मोन्स इन प्लांट्स डू नॉट
डू नॉट एक्ट द सेम वे, मतलब एक ही तरीके से एक्ट नहीं करते, उनका तरीका अलग रहा हो सकता है। हॉर्मोन इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ग्रोथ भी होती है प्लांट के रूट में, स्टेम में, फ्लावर का ग्रोथ होना, बर्ड बनना। एंड द इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक शूट, और शूट को हम स्टेम भी कहते हैं, और रूट। एनिमल्स यूज बोथ नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द देयर एक्टिविटी। तो प्लांट में के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की केस में और रेस्पॉन्स के केस में एनिमल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। सो प्लांट्स यूज ओनली हॉर्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन, ये रेस्पॉन्स केवल कोऑर्डिनेशन मतलब हॉर्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दस द रिएक्शन और रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट स्टिमुली लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, सब्सटेंस, वाटर एंड टच इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन, ये सब होता है हॉर्मोन के इफेक्ट की वजह से। प्लीज नोट दैट एनिमल्स कैन रेस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज दे हैव अ नर्वस सिस्टम, एंड उनके अंदर नर्वस सिस्टम होते हैं। प्लांट कैन नॉट रेस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज दे हैव नो नर्वस सिस्टम। द प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली और बाई ग्रोइंग, तो जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं वो उसी तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। सनफ्लावर ऑलवेज फेस द सन, हियर सनलाइट इज द स्टिमुलस एंड सनफ्लावर प्लांट रेस्पॉन्ड बाय द बेंडिंग और मूविंग टुवर्ड द सन। तो ये प्रोसेस होती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या करो, सनफ्लावर के ऊपर के पार्ट को देखो, उसके नीचे देखो, तो उसका स्टेम स्पंजी मिलेगा, मतलब घूमने लायक हो जाएगा और टेढ़ा सा थोड़ा सा। रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू स्टिमुलस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली, इट यूजुअली टेक अ कंसिडरेबल टाइम टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अ स्टिमुलस ऑन द प्लांट। मतलब ये हुआ कि जितने भी प्लांट हैं या एनिमल हैं वो रेस्पॉन्स के लिए जरूर डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए रेस्पॉन्स कर रहे हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हॉर्मोन। तो प्लांट हॉर्मोन पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लीज नोट दैट द प्लांट हॉर्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटोक्रोम्स, फाइटो हॉर्मोन्स, इन्हें हम फाइटो हॉर्मोन, फाइटो का मतलब होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट और हॉर्मोन तो केमिकल होती हैं। बिफोर वी डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन वी शुड नो द मीनिंग ऑफ डोरमेंसी, इसे हम डोरमेंसी के नाम से जानते हैं, उसी का मीनिंग हम समझते हैं। ब्रीकिंग ऑफ डोरमेंसी रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप इज कॉल्ड अ डोरमेंसी। द सीड ऑफ अ प्लांट इज इनएक्टिव और डोरमेंट, इट हैज डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब जब सुसुप्ता अवस्था, मतलब जब कोई प्लांट का सीड या फ्लावर वर्क नहीं कर रहा, बर्ड की तरह बढ़ ही रहेगा। अ सीड मस्ट हैव सर्टेन कंडीशंस लाइक वाटर, वार्मथ, थोड़ी गर्मी, एयर, हार्मोन टू ब्रेक डोरमेंसी। मतलब सीड से जैसे गेहूं की बोरी में गेहूं रखे रहते हैं तब वो ग्रो नहीं करते, जैसे मॉइस्चर मिलता है तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट टू फॉर्म अ सीडलिंग, सीडलिंग छोटे छोटे बेबी प्लांट बन जाते हैं विच देन ग्रो इन टू द अ प्लांट। अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग डोरमेंसी इज अ बर्ड, इज द बर्ड। द बर्ड इज अ यंग अनडेवलप्ड शूट ऑफ अ प्लांट विच ऑन ब्रेकिंग डोरमेंसी कैन फॉर्म अ ब्रांच, अ लीफ और अ फ्लावर डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजिशन इन द प्लांट। द ब्रीकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ अ बर्ड ऑल्सो रिक्वायर्स सर्टेन प्लांट हॉर्मोन्स। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लांट हॉर्मोन। अब हम अलग टाइप के प्लांट हॉर्मोन को स्टडी करेंगे। तो अलग टाइप के प्लांट हॉर्मोन को स्टडी करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।